हमको प्यारा दिल है हमारा कश्मीर, किसी को दिल नहीं देंगे। दर्द दिल लिया करते हैं। हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। और आज है स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज जैसे सुबह हुआ, हमारे यहां पे सरकारी बैंक है, तो सरकारी बैंक है तो वहां पे झंडा फहरता है, तो सुबह सुबह ही झंडा फहराने वाला कार्यक्रम हुआ है, वहाँ पर सब कुछ हुआ। तो मुझे एक अपनी स्कूल के बचपन के दिन याद आ गए, तो मैं सोचा एक मिनट आप सबका लूँगी। आप लोग बताइएगा कि जब हम स्कूल के में पढ़ते थे, जब 6-8 मतलब 10-12 तक की मैं बात कर रही हूँ, तब तो स्कूल में हमारे स्वागत गीत, सरस्वती वंदना और राष्ट्रगान के बाद वो झंडे के गाने गाए जाते थे, कव्वाली गाते थे हम लोग। तो सबका एक ग्रुप होता था, तो जिस ग्रुप का जो सॉन्ग होता था वो लोग वही गाते थे, तो वो वाले सॉन्ग हमको नहीं मिलते थे। लेकिन जब वो पास करके स्कूल से वो लोग निकल जाती थी तब वो फिर सॉन्ग हम गाने लगते थे। तो मुझे याद है हमारी जो बड़े क्लास की दीदी लोग थी तो वो एक गाना गाती थी, जलवा तूफानी है हम हिंदुस्तानी है, कुछ ऐसा ही था कि सुन लो हमारा नारा, देश है हमको प्यारा, दिल है हमारा कश्मीर, किसी को दिल नहीं देंगे। ये गाना मुझे याद है कि ये दीदी लोग गाती थी, तो वो हमको हक नहीं था कि वो गाना हमको मिल जाता। जब वो बड़े क्लास में चल जाती थी तब हम लोग जब थे तब हम लोग गाते थे। मतलब तो इस तरह के बहुत सारे गाने हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हम कव्वाली करते थे बचपन के, तो ये किस किस ने किया है मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज हम जो मैं जो हूँ वो अरम्या की फरमाइश पे हम लोग बनाने वाले हैं गुलाब जामुन, क्योंकि आज हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमें अपनी तरह तरह सबके मनाने का मतलब तरीका होता है। बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ सुबह से इस वीडियो डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बाहर गए हैं बट मैं नहीं जा सकती थी तो मैं यहीं पे हूँ। तो चलिए आज आपको गुलाब जामुन बनाते हैं, रेसिपी शेयर करते हैं और साथ में आज हमने कैसे कूदते कैसे हमने सेलिब्रेट किया वो आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए आपको फोटो का सबसे ज्यादा इनकम लगा हुआ है, बिजली पैदा करता है बहुत महंगी होती है, और अगर 100% कैपेसिटी पे काम करता है तो बहुत सस्ती बिजली पैदा करता है। अगर हम अपनी पूरी 100% क्षमता में 4.25 लाख बिजली पैदा करने चालू कर दें आगे दिवाली तो आज मैंने देख लीजिए अरम्या को, अरम्या के पापा का फेवरेट आपका टी शर्ट एकदम वायरल बैठे हैं। हमारा टी शर्ट मतलब पता नहीं कब जाते हैं ना इसी कलर का और उसी ब्रांड का, ही ब्रांड में बंद करवा देते हैं। लिखा तो है मूवमेंट ब्रांड का टी शर्ट, अगर आपने एक बार ले लिया तो कोई साल चले 10 साल आप निरंतर छोड़ी। तो आज एक मैं घटना बताती हूँ, मैंने अरम्या को भेजा था दुकान पे सामान ले आने के लिए, क्योंकि चीनी इलायची गुलाब जामुन बन रहा है तो उसके लिए तो चाहिए। तो मैंने अरम्या को मूंगफली भी बोली कि बेटा ले आए, फर्स्ट टाइम हमारे घर में मतलब 25 ग्राम मूंगफली है पता नहीं कि 100 ग्राम ये मूंगफली लेके आई है और कहाँ से मूंगफली लेके आई है वो सोचिए ना।
और मैं इतनी मतलब कंजूस में नहीं कहूँगी, कंजूस तो नहीं है लेकिन मखीजूस है, मतलब मखीजूस भी नहीं गई, मतलब क्या मैं इसको बोलूँ, मतलब अगर आप उसको एक बार कोई चीज़ लाने को बोली नहीं पैसा खर्चा हो जाएगा तो वो सारी चीज़ें कम लाती है। लेकिन देखिए बच्चा का जी बुद्धि, इलायची पूरा प्रॉपर ले आई है, मैंने इलायची के लिए बोला था तो ये इतनी सारी इलायची ले आई है और चीनी लाई है। चल बेटा, तो मैं आई थी वैसे चीनी ले जानी है क्योंकि मैं इसका चाशनी पहले तैयार कर लेती हूँ और फिर उसका मिश्रण तैयार करते हैं। तो बस आप सबसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और आपने कैसे सेलिब्रेट किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे झटके से देखने में ये लगता है कि बहुत लंबा है बट ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे बर्तन मैंने रखे हुए हैं। मेरे घर में सामान ज़्यादा है, रूम हमारे कम है, इसलिए थोड़ा सा वो अस्त व्यस्त लगता है, बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं। अब देखिए मैं अकेली अकेली जान क्या क्या करे, बाकी मैं क्या क्या करे, यूट्यूब इंस्टा सब कुछ, मैं इतना बातों में मैंने टाइम ले लिया ना। चलिए मैं पहले दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए चाशनी हमारी हो चली है, तब तक बस उतने में हो जाएगा चाशनी में। देखो ना तो फिर करो मिक्स को हम निकाल लेते हैं। वैसे तो दूध से दिया था ना वीडियो में, हाँ हाँ, बट हमारे यहाँ दूध ही नहीं है तो हम लोग ए जी ये प्योर हम गोवर्धन का यूज कर रहे हैं। ए जी तनी सुन आप, अरे सोनी मर गए, प्योर गोवर्धन गुलाब जामुन मिक्स। ए हरिया आई, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पानी डालेंगे गोवर्धन। सुनी तनी अरे आई मजाक ना काम बा, हाँ धो के रही जो धोले पानी में कनी है, देखिए हो वो तनी सिरवा में हो जाए ना समझ में। तो इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। मध्यम आंच पे हम इसको तलेंगे। ब्राउन हो गए हैं, अजीब ब्राउन आ रहा है कैमरे में। एक ऐसा वाला मुझे चाहिए, क्या करने के लिए टेस्ट करूंगी। तो मैंने हर स्टेज पे चेक किया है, पहले उसका आटा सानते वक्त फिर अब इसको ट्राई करूंगी। चलो लास्ट में इसका दे दूंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए चाशनी के अंदर इसको देखिए, तू बन गया तू मेरी जामुन की चाशनी। पता है अगर बहुत अच्छा बन जाता है ना तो मन बहुत खुश होता है, क्योंकि अगर हम
कब से मेहनत कर रहे हैं किसी चीज के लिए, ऊपर से जब हम बनाने के लिए बैठे थे तब याद आया कि रिफाइन खत्म हो गया है। दर्द दिल लिया करते हैं। अब जामुन तो पूरे बन चुके हैं, अब बताओ रम्या, पहले रम्या ले जाएगी भगवान जी को भोग लगाने के लिए। जा अभी 10-15 मिनट उसमें टाइम लगेगा। और मुझे ना, मैंने ये इस साड़ी का ये ब्लाउज नहीं है, मुझे इस साड़ी का प्रमोशन करना है तो मैंने पहन लिया कि चलो उसको चेंज करके, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो चुका है और आज थोड़ा सा दिन अच्छा नहीं था, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो शेयर नहीं कर पाऊँगी आप सबके साथ। और चल रही हूँ मैं, पहले झाड़ू मारूँगी, पोछा मारूँगी, और कितना पसीना हुआ है ये देखिए आप लोग। और फिर उसके बाद में मुझे बहुत ज़रूरी काम, हाँ मुझे प्रमोशन करना है तो उसके लिए मुझे रेडी भी होना है। ये बेका है तू ना जन्म बेटा, हे जी कहा है कपारे हाँ धोके अंगन में सुतल बने, परेशान बनी कौन बात के लेके, तब कहा सुतल बने, हमार कोनो तरह का मदद। तो आज आप सब ने मेरे घर के बाहर का भी देख लिया सीन, और हालांकि वहाँ पे ट्रैपोड में फ़ोन लगा देते तो वीडियो पूरी शूट हो जाती, क्योंकि वहाँ पे आज मैंने पहले ही बताया था कि रम्या के पापा ने सबको लड्डू बांटे थे वहाँ पे, और बहुत सारे, अभी मैंने वीडियो देखा तो मुझे पता चला इस बार बहुत सारे लोग आए हुए थे। यहाँ पर देखिए भगवान का भोग लग चुका है, गुलाब जामुन बन चुका है, तो मैं यहाँ पर रम्या के पापा को सबसे पहले टेस्ट करवाऊँगी और उनसे पूछूंगी कि कैसा बना है, क्योंकि खुशी होती है, मतलब औरतों की, मतलब मैं हाउसवाइफ, महिलाएं, हम औरतों की खुशी अपनी फैमिली को जब सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, थोड़ी सी तारीफ़ मिल जाती है, तो हमें लगता है कि बस हमारा जो घंटों खड़े होकर हमने किचन में मेहनत किया वो आज जाके मतलब सफल हो गया। और ये बात सही है कि नहीं मुझे बताइएगा ज़रूर आप सब। अब जो हूँ ये नहीं कि मुझे चैन मिलता है, ये अंधेरा, वो ये वाली साड़ी पहनूंगी जो इस ब्लाउज की मैचिंग साड़ी है, जो कि भी ब्लू ही है, ये देखिए मैं इसको पहनूंगी, हेयर स्टाइल चेंज करूंगी, और साथ ही साथ में इसमें मैं कौन सा ज्वेलरी पहनूंगी, क्या पहनूंगी, तो सारी चीज़ें भी डिसाइड करके। अरे मैं सोना है, ठीक है सो जाओ थोड़ी देर, क्योंकि शाम हो चुकी है धीरे धीरे। मैं सच बताऊँ तो पूरे दिन खाना पीना इनका उनका, ये देखना वो देखना करते करते अभी थ्रेडिंग का ना ये तो एकदम बैंड बजा हुआ है, ये देखिए सीप में रहता है ना तो अच्छा मतलब लुक आता है। और साड़ी के साथ में थोड़ा सा ट्रेडिशनल करूँगी या क्या करूँगी अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो थोड़ा सा 10 मिनट अपने दिमाग को राहत देती हूँ, पहले मैं फेस वॉश करके आऊँगी, फिर मैं मेकअप वीडियो भी शूट करूँगी और तब मैं ये शूट करूँगी। जैसे अभी मैं तैयार हो ही रही थी, मीन्स अपना सारा सामग्री जो होता है वो, वैसे रम्या के पापा के जो सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं अखिलेश भैया, उनका कॉल आ गया कि मैं आ रहा हूँ, तो आई थिंक उनकी पोस्टिंग मुझे याद नहीं है कहाँ पे है, और उनके जो फ्रेंड हैं, इनके जितने भी फ्रेंड हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी जगहों में, और वो बचपन के, जैसे कि एकदम बचपन वाले फ्रेंड हैं, वैसे इनके बहुत सारे फ्रेंड हैं, मतलब बहुत सारे भैया लोग हैं, बट बेस्ट फ्रेंड में से एक हैं जो कि मतलब पढ़ाई लिखा, मतलब पढ़ने वाले, जैसे एक होता है कि गांव वाले एक फ्रेंड होते हैं, एक होता है कॉलेज फ्रेंड होते हैं, कि स्कूल फ्रेंड, तो स्कूल फ्रेंड से लेके ये मतलब फैमिली, इनके यहाँ से हमारा फैमिली रिश्ता है, फैमिली रिलेशनशिप है, तो बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं, तो वो आ रहे हैं। तो अभी कॉल आई जस्ट, मैं तो एकदम, मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, मैं सच बताऊँ तो मुझे लगा कि चलो अभी टाइम है, और बाहर का मौसम देखिए आप लोग, मतलब काले बादल, ठंडी डरावनी हवाएं, एक पेड़ फिर से, वो जो पेड़ लगे हैं घर के पीछे वहाँ से एक और टहनी टूट के आंगन में गिर गई है फिर आज, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो और रम्या के पापा अभी गए हैं, अभी आते हैं तो फिर हम बताते हैं। फिर थोड़ा सा घर सही किया, मतलब सही ही था कुछ, मतलब जब यहाँ पे ये जब झाड़ू पोछा लगा रहता है तो घर ऐसे ही अच्छा रहता है। तो आने वाले हैं तो बस इनका इंतज़ार कर रही हूँ मैं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी रेडी नहीं होती हूँ, आज का प्रोग्राम स्किप ही कर देती हूँ। पता नहीं क्या हुआ है, कई दिनों से मैं काम ही नहीं कर पा रही हूँ। आज भी मेरे ब्लॉग दोपहर में जो जाते हैं, मेरे पास ब्लॉग ऑलरेडी इससे पहले का था, बट ना मैंने एडिट किया है ना मैंने अपलोड किया है। आज ब्लॉग कब जाएगा मुझे खुद भी नहीं पता है, मुझे
पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। और यहाँ पे देखिए, उसके बाद बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैं बर्तन यहाँ पे धुलने के लिए चली आई, और मैं बर्तन भी धुल रही थी और साथ साथ में मैं किसी की वीडियो भी देख रही थी। वहाँ पे देखिए अलमारी के ऊपर फ़ोन चला के, तो बस ये मेरी आदत है। और मैं वीडियो मतलब एक दो लोगों की जिनकी देखती हूँ उनकी देख लेती हूँ इकट्ठे बैठ के। हार जैसे भोर के किरने गज रहा कान के बाली काहे बिंदिया से निंदिया हराम हो गई रे रानी हमरो जिंदगिया गुलाम हो गई रानी हमरो जिंदगिया गुलाम।